हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ ऑल टेक यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज मैं एक मज़ेदार गेम्स आप लोगों को देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन की। मुझे पता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो डोरेमोन का कार्टून आज भी देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि उनको ये गेम भी पसंद आएगा। ये एक बहुत कम साइज का और बहुत ही एडवेंचर से भरा गेम है। ये कोई हाई ग्राफिक्स गेम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये कोई हाई ग्राफिक्स वाला गेम नहीं है। इसकी ग्राफिक्स आपको डिसेंट लेवल की देखने को मिल जाएगी। सो अगर आप कभी डोरेमोन का कार्टून देखे हैं तो एक बार इस गेम को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस गेम को आप अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करेंगे, लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई APK फाइल नहीं है जो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और आपका गेम चलने लगेगा। दोस्तों ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये प्रोसेस सिंपल है, बट अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि डाउनलोड फाइल कहाँ पर इंस्टॉल करना है। सो दोस्तों, अगर आप भी डोरेमोन के फैन है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए खैर दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको सीधे ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको मैं दो फाइल की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से दोनों ही फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस एक फाइल आपकी एमुलेटर की है, दूसरी फाइल आपकी गेम की फाइल है। आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उस गेम को रन कराना है, मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है और आपको जान के हैरानी होगी कि जो गेम और एमुलेटर की फाइल की साइज़ है वो 10 to 15 MB के आसपास है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने गेम को डाउनलोड कर रखा है। मैं ओपन करने के बाद फिर आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया। मैं आपको आपके सामने ही इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये हमारा एमुलेटर फाइल है, इसको मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर OBB या फिर डेटा का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपका जो दूसरी फाइल थी, जो गेम की फाइल थी, आपको वो सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको डाउनलोड करके आपने उस फाइल को रखा है। तो चलिए मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो आपका गेम की फाइल है वो .N64 के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गेम शो कर रहा है। तो अब चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा गेम पूरी तरह से ओपन हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा गेम है, बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई हाई ग्राफिक्स गेम बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डिसेंट लेवल की ग्राफिक्स का गेम है। आप नॉर्मल कार्टून देखे होंगे डोरेमोन की, तो बस उसी टाइप के गेम इसमें बनाया गया है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे इस सिटी में एलियंस अटैक करती है। अटैक करने के बाद डोरेमोन और जो नोबिता होते हैं वो सिटी को पूरी तरह से बचाते हैं, एलियन से इन सिटी की रक्षा करते हैं और सभी को उनके कैद से आज़ाद कराते हैं। बस इसमें यही सब स्टोरी इसमें दिखाई गई है। देख सकते हैं मेरा गेम पूरी तरह स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको गेम प्ले दिखा देता हूँ कि किस टाइप का गेम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर से जो ग्राफिक्स क्वालिटी है बिल्कुल वैसे ही है, जैसे आपने डोरेमोन कार्टून कभी आपने अगर देखा होगा तो बिल्कुल वैसे ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है।
बस दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा जैपनीज लैंग्वेज में, ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो आपको इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका और इसके जो कंट्रोल्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। जो घर वर बने हैं, जो एरिया है, जो लोकेशंस है, वो बिल्कुल डोरेमोन कार्टून जैसे ही मैच कर रहा है। तो अगर आपको इस गेम को खेलना है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने दोनों ही फाइल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं फिर बता दे रहा हूँ, गेम की जो फाइल साइज है वो 10 to 15 MB के आसपास है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस गेम को एक बार डाउनलोड कीजिए, कोई ज़्यादातर डेटा भी वेस्ट नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आप भी डोरेमोन की फ़ैन है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियोस में। टिल देन कीप वॉचिंग ऑल टेक, गुड बाय।